अतीत में जैसा हमने नारा बनाया वैसा नारा हम हासिल कर लेते हैं। अब हरियाणा की धरती पर बैठे हुए हैं, 2019 का हरियाणा विधानसभा का चुनाव हमारे जहन में है, अब की बार 75 पार, भूले तो नहीं ना डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, और कुल मिला के 46 के भी लाले पड़े, इसलिए दुष्यंत चौटाला आपके गले पड़े ऐसा लोग कहते हैं। थोड़ा डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी जरा इसको भी साथ में शामिल करते हुए अगर बात रखेंगे तो आनंद बढ़ जाएगा हमारी चर्चा का। उसे अगर अनम्यूट कर देंगे जी। अधिकांशतः हम जो कहते हैं उसको कर पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जन सामान्य का भारत के जो मन और मूड आज है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ने की दिशा में है। मैं ये कह रहा था कि वो कांग्रेस पार्टी जो कभी बहुत विशालकाय होती थी, ऐतिहासिक रूप से जिस पार्टी को हम भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कह सकते हैं, उसका रिकॉर्ड दो डिजिट में सिमटने का, वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति देश के लोगों के अनुराग के कारण बना। मुझको लगता है अब की बार कि जनता इनको सिंगल डिजिट तक ले जाने की तैयारी कर रही है। ये जहां जहां थे 19 में, दो एक राज्यों में से इनकी 23 सीटें आई थी, आधी के लगभग यूं कह लीजिए 52 में से, तो वहां भी होने वाले इनका और संतुलन होगा, ये और घटेंगे तो जनता पार्टी बढ़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा, भारत का जनमानस कह रहा है। हमने और इनने अक्सर कहा हम भारत की जनता की पार्टी हैं, और ये ऐतिहासिक रूप से एक अंग्रेज के मानस से पैदा हुई, मानस से पैदा हुई पार्टी है, जिसकी विरासत में, लीगेसी में मानसिक दास्ता भी है, जिसको उखाड़ फेंकने की बात हम विकसित भारत संकल्प यात्रा में गांव गांव हिंदुस्तान के लोगों को दिलवा रहे हैं।